हो सकता है जमीन शायद हमेशा के लिए हमारा घर ना रहे। The governor has just ordered the mass evacuation of the entire West Coast. Yeah, moving to higher ground. कोई भी हादसाती न्यूक्लियर वार पेंडेमिक या माहौलियाती आलूदगी हमेशा के लिए ज़मीन के इकोसिस्टम को ख़त्म कर सकती है। आखिरकार हमें यह घर छोड़ना पड़ सकता है। क्या होगा अगर हम निज़ाम शमसी के बाहर घर तलाश करने की बजाय हम अपने निज़ाम शमसी में रहें और इतना बड़ा मस्कन बना लें जहाँ सारी दुनिया आबाद हो सके। इन तमाम सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेंज डायरी है। मॉडर्न इंसान पिछली कई दहाइयों से इस तलाश में लगा हुआ है कि वो ज़मीन से बाहर ज़िंदगी को तलाश कर सके, मगर अभी तक कोई भी खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। तो ऐसे में कुछ साइंसदानों ने इंटेलिजेंट लाइफ के शवाह तलाश करने के लिए एक दिलचस्प तस्वुर पेश किया कि एक तरक्की याफ्ता तहजीब किस किस्म के ढांचे बना सकती है। 1970 के आसपास जब प्रोजेक्ट अपोलो ख़त्म हो रहा था तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक फिजिस्ट जेरार्ड के ओनिल अपने फिजिक्स के तालिब इल्मों को करने के लिए कोई नया काम देना चाहता था। वो किसी नए अछूते टॉपिक की तलाश में था। एक दिन उसने अपने स्टूडेंट्स को बड़ी खलाई रहायशगाहों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को कहा। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि ये रहायशगाहें अपने बहुत बड़े साइज़ के बावजूद भी काबिल अमल लग रही हैं। इन रहायशगाहों की लंबाई 32 किलोमीटर और रेडियस 8 किलोमीटर था। इससे पहले मेगा स्ट्रक्चर का जिक्र फिक्शन नावल्स में मिलता था। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश फिलासफर और साइंस फिक्शन राइटर ओलाफ स्टेपल्टन ने अपने नावल स्टार मेकर में मेगा स्ट्रक्चर का जिक्र किया था और खला में रहने का तसव्वुर 19वीं सदी के राइटर एडवर्ड एवरेट हेल ने अपने फिक्शन नावल द ब्रिक मून में पेश किया था। मेगा स्ट्रक्चर स्पेस में बनाए गए ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होंगे जो दूसरे सोलर सिस्टम से भी नज़र आएंगे। पिछले कुछ सालों में अनगिनत मेगा स्ट्रक्चर्स का नज़रिया पेश किया गया है। कुछ दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं, मसलन एल्डरसन डिस्क, डायसन स्ट्रक्चर, स्टेलर इंजन, रिंग वर्ल्ड, बर्नल स्फीयर, शेल वर्ल्ड, बैंक्स ऑर्बिटल या बिशप रिंग। मगर यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि ये तमाम मेगा स्ट्रक्चर टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए हैं, जिसे सितारादार तहजीब यानी स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन इस मुकाम तक एडवांस हो चुकी होंगी जहां वो अपने सितारे से खर्च होने वाली तमाम तवानाई को हासिल कर सकती हैं। आखिर क्या वजह है कि साइंसदान इंसानियत का घर स्पेस में बनाना चाहते हैं? क्योंकि मौजूदा इंसान टाइप 1 और टाइप 2 सिविलाइजेशन के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी 1.5 पर। और अगर हम खला में रिंग की शक्ल की दुनिया बनाएं तो क्या होगा? आपको जेरार्ड के ओनिल तो याद है जिसने खलाई रहायशगाहों पर काम किया था। तो नासा ने इसकी 2 वर्कशॉप्स को स्पॉन्सर किया। इन वर्कशॉप्स में 1,000 से लेकर 1 करोड़ अफराद के साइज़ के साथ कई तसव्वुरात का मुतालिया किया गया। नासा को 3 तसव्वुरात पेश किए गए थे और इन्हीं तसव्वुरात में से एक तसव्वुर था रिंग वर्ल्ड, जिसको रिंग भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये बिशप रिंग कैसा होगा। रिंग तसव्वुर करें, क्या आप सूरज के गिर्द 150 मिलियन किलोमीटर के रेडियस के साथ एक रिंग में रहते हैं? एक बहुत बड़ी मसनूई दुनिया जिसकी अपनी ग्रेविटी, इकोसिस्टम और एटमोसफियर होगा, खरबों इंसानों को घर देने के लिए काफ़ी बड़ा। आप रिंग के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत बड़े लैंड मास पर रहेंगे। बैरूनी खौल आपको और इन तमाम खरबों लोगों को खला के खतरात से महफूज रखेगा। मसला ये है कि ऐसी चीज़ को जमा करना, निज़ाम शमसी में फ़िट करना आसान नहीं होगा। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले आएगा मटीरियल, मगर ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है।
आपको जिन बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा उनमें से एक आपको पहले मटेरियल तलाश करना होगा। इस वक्त ज़मीन के निचले मदार में घूमने वाला बैन अलावामी खलाई स्टेशन तकरीबन 420 टन वजनी है। रिंग की दुनिया में कोई भी चीज़ 10 लाख टन से कम वजन की नहीं होगी। हमें ये सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मैं कुछ जगहों को जानता हूँ। नेपच्यून के मदार से बाहर कोएपर बेल्ट बहुत ठीक काम करेगा। बर्फानी जिस्मों का ये हल्का तकरीबन 3 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुछ माहरीन फल्कियात का ख्याल है कि कोपर बेल्ट में इस मंसूबे के लिए काफ़ी मवाद मौजूद होगा, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि हमें इस तरह की चीज़ बनाने के लिए कितनी ज़रूरत होगी। हमें निज़ाम शमसी के तमाम सियारों, चांदों और एस्ट्रॉइड को कुर्बान करना पड़ सकता है। सोलर सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें बाकी रह जाएंगी, हमारा रिंग और सूरज। अगर हम दस्तियाब तमाम मवाद को जमा करने और मुंतकिल करने का इंतज़ाम कर सकते हैं तो फिर तामीर शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त, रोबोट्स की फ़ौज और शायद सैकड़ों नस्लें दरकार हों यह समझने के लिए कि हमारा ढांचा काफ़ी मुस्तहकम नहीं था। चूँकि मेगा स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि यह किसी भी नामी ग्रामी मालिक्यूलर बांड को तोड़ देगा। हमें फितरत की बुनियादी कुवतों में से एक यानी मजबूत न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने का रास्ता तलाश करना होगा। तमाम कुवतों में यह सबसे ज़्यादा दिलकश है। ये एटम न्यूक्लियस के पैमाने पर मवाद को जोड़ता है ताकि कोई चीज़ इसे तोड़ ना सके। या हो सकता है कि हम मुकम्मल तौर पर एक नया सुपर मजबूत मटेरियल लेकर आएं, लेकिन जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि हमारे निज़ाम शमसी से गुजरने वाला हर इंटरस्टेलर जिस्म हमारे मेगा स्ट्रक्चर के लिए ख़तरा होगा। अगली चीज़ जिसके बारे में हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है वो है ग्रेविटी। ये हिस्सा बहुत आसान है। हमें सिर्फ रिंग की दुनिया को तकरीबन 20 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से घुमाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये वाकई तेज़ है। हमें वक्त के साथ रफ़्तार में इजाफा करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से खला के बग़ैर रगड़ के माहौल में इसे बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस तरह की गर्दश सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करेगी, नतीजा क्या होगा? और ये बदले में एक मस्नूई ग्रेविटी पैदा करेगा जो हमारे यहाँ ज़मीन पर मौजूद है। ग्रेविटी के हल के साथ हम एटमॉस्फेयर बनाएंगे और रिंग की दुनिया को आबाद करना शुरू कर देंगे। मेगा स्ट्रक्चर के बाशिंदों के लिए हमेशा दिन का वक्त रहेगा, जब तक कि हम रिंग के अंदर इजाफी पैनल्स के साथ दिन और रात का चक्कर नहीं बना सकते। लेकिन अभी तक जो हमने शानदार दुनिया कायम की है ये स्टेबल नहीं होगी। एक ही एस्ट्रॉयड की बौछार इस ढांचे को सूरज के करीब ले जा सकती है। रिंग में एक सुराख हमारे तमाम एटमॉस्फेयर को बाहर निकाल सकता है। रिंग के अंदर एक नाकामी पूरे ढांचे को इसके बाशिंदों के साथ तबाह कर सकती है। ये इतने खतरों से भरा पड़ा है, लगता है कि इसे शुरू ही ना किया जाए। इसे सूरज के गिर्द बनाना बहुत ही खतरनाक है। ज़मीन के मदार में एक बहुत बड़ा रिंग खलाई स्टेशन के साथ हमारी खुशकिस्मती हो सकती है।